हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। आज हम रिएक्ट करेंगे, एक डिफरेंट ही वीडियो है। इसका टाइटल है हमेशा लड़के गलत नहीं होते, बॉयज विल फेवर दिस वीडियो। टाइटल से तो ऐसा लग रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिएगा। वी गो। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। हेलो, अरे बस में चढ़ो, रिक्शा नहीं मिली यार। हाँ तो पहुंच गई। टिकट 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 टिकट। हाँ टिकट वाला टिकट। इसके हेडफोन देख, UBL। बस में भी हेडफोन। अच्छा ठीक है। टिकट टिकट। हाँ थोड़ा लेट होगा मुझे। अच्छा बाय। टिकट टिकट। बेटा एक मिनट, नंबर लगा दो जरा, वो मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है ना। अच्छा ठीक है। आजकल किसके मोबाइल में बैलेंस नहीं होता है, जियो छोड़ के जो यूजर्स है। आगे बढ़ाओ स्टोरी, आगे बढ़ाओ। टिकट ले ली। ओ लो जी, हाँ सुबह जी, मुझे तो सब पता है। चलो छोड़ो जी, फोन लिया जी किसी का। हाँ अच्छा जी, थैंक यू। बी केयरफुल। सॉरी। What the hell? How dare you? Sorry sorry, बैलेंस बिगड़ गया था। बैलेंस बैलेंस कुछ नहीं, सब पता है मुझे, सिर्फ मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। क्या मैडम? अरे जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे ऊपर। Excuse me, please. क्या मैडम? You already touched me twice. I saw that. क्या कहते हो? देखिए देखिए, बस जा रही थी मैं, टर्न हुआ और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। That's it I'm saying. झूठ मत बोल, समझा ना? अगर थोड़ी सी भी डिसेंसी होती ना तो लड़की देख के उठ जाता तू। एक तो ये लेडी सीट है नहीं, और वैसे मैं क्यों उठूँ, मैंने तो कोई जबरदस्ती की नहीं है आपकी। झूठ मत बोल, कुछ भी मत बोल तू। एंड आस्क आंटी। आंटी आपने देखा ना क्या किया इसने? हाँ पूछ लो। हाँ हाँ मैंने देखा, तुमने इसे टच किया। ओह हाँ, तेरे से लोगों ने ही मुंबई का भी माहौल खराब कर रखा है। Exactly. अगले सप्ताह उतर जा, समझाएगा, इसकी तेरी भलाई है। चल उतर साले कमीने, उतर। मैं नहीं उतरूंगा। मैं क्यों उतरूं? उतर जल्दी, उतर जल्दी, समझा ना। कॉलर पकड़ ली। हाँ पाटिल, क्या हुआ? बस अब उतारेंगे इसको। मैंने कुछ किया नहीं। अरे पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। चलो 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 निकलो, चलो चलो चलो। बेफालतू का शिकार। सीट चाहिए। चलो 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 चलिए, बस पड़िए। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने, बहुत बहादुर हो तुम। थैंक यू आंटी। स्टूपिड है, स्टूपिड। गलतफहमी। Had a bad day, no? बॉटल को क्यों ब्लर किया है? नहीं दिखानी है कि कौन सी कंपनी है। एक्वा। हेलो रोहित। हाँ कहाँ है तू? मैं घर पे। क्या कांड किया तुमने? क्या कांड किया? टीवी ऑन कर, न्यूज़ चैनल लगा। अरे हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। इट केम इन द न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश की एक बहुत ही बहादुर लड़की रिया माथुर, जिसने बिना डरे उस दरिंदे का डट कर सामना किया। दरिंदा। मैं तुमसे बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है ना, उससे देश की सारी लड़कियां बहुत प्रेरित हुई है। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि ये सब शुरू कैसे हुआ? जी, मैं ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ी थी। अच्छा। और वो लड़का उसी बस में, वो लड़का यानी रोहित सक्सेना। जी जी रोहित सक्सेना, वो उसी बस में था। और उसके बगल में एक एजेड आंटी बैठी हुई थी, और बस पूरी क्राउडेड थी और कोई सीट नहीं मिल रही। मैं तुम्हें रोकना चाहूंगी, दर्शकों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो अभी भी वायरल हुआ है। देखिए देखा ना क्या किया इसने। हाँ हाँ मैंने देखा, तुमने इसे टच किया। चलो गौर से देखिए इस दरिंदे को जिसने रिया के साथ इतना घिनौना काम किया है। देखिए पुलिस। रोहित सक्सेना आइला लड़कियों को छेड़ता है। Finished. 3 months later. कुछ लेगा बेटा? एक बियर ले आना। पैसे for what? नॉन ड्रिंकर। हेलो नहीं है तो क्यों पी रहे हैं? रिया मैडम हाँ आखिरी इंस्टॉलमेंट आ गया है। ओह इट्स प्लान्ड। नहीं तो उसका नंबर उसका नाम कैसे पता लड़की को? तेरा चैप्टर अब क्लोज है, चाह मौज कर। और मेरी एडवाइस लेगा तो तू अब अपने घर वापस चले जा, क्योंकि अब इस शहर में रहना मुश्किल होगा। ये एडवाइस फ्री में दे रहे हो या इसके भी पैसे लेते हो आप? तुम पे जो एलिगेशंस लगे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। Get lost. मैंने देखा तुमने इसे टच किया। Your termination letter. फिर मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। Don't wanna talk to you. तुम्हें भी ये लगता है कि ये सब मैंने किया? कंपनी की रेपुटेशन खराब। मैंने देखा तुमने इसे टच किया। Your termination letter. फिर मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुमने इसे टच किया। मैंने कुछ नहीं किया दम है तुम्हारे, मानना पड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। चुप चुप चुप। शायद कहीं पढ़ा था मैंने, हाँ फेसबुक पे। तुमने भी पढ़ा होगा राइट? और फेसबुक ने तो तुम्हें ऐसा स्टार बना दिया। तुम चाहते क्या? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। देखो गलती अगर एक बार हो जाए ना तो माफ, मगर अगर वही गलती दूसरी बार की जाए ना तो बेवकूफी होती है। प्लीज लेट मी गो प्लीज। लेकिन मेरी क्या गलती थी? देखो देखो आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और किसी ने वीडियो भी ले लिया था। लेकिन आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं सबको सच बता दूंगी। जाने की क्या ज़रूरत, सच तुम यहीं भी बता सकती हो। हेलो एवरीवन, ज़्यादा बताने का समय नहीं है। You've got रिया माथुर, नाम तो सुना होगा राइट? Of course, वो आप सबको सच बताने वाली है। Here we go. Oh, come on, कोशिश करो, सच बाहर आएगा। For sake, ओके ओके ठीक है। मेरा नाम रिया माथुर है। मुझे आप सबको आज सच बताना है कि रोहित सक्सेना ने उस बस में कुछ नहीं किया था। उस दिन बस में जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सब मेरी गलती थी। एक्चुअली उस दिन वीडियो अपलोड हो गया था और वायरल भी हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ी पब्लिक सिंपथी भी मिलेगी और पब्लिसिटी भी, इसलिए आई ट्राई टू कैश ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड और मैंने रफा दफा करने के लिए 2 लाख रुपये भी लिए थे। बट आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। देखो अब तो मुझे जाने दो, मैंने सबको सच बोल दिया है, प्लीज। जाने से पहले एक और काम बाकी है। क्या करेगा? नहीं मारेगा तो नहीं। आर यू मैड? यू गोना शूट मी? सबको पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबको? किसको? गिने चुने तो दोस्त हैं, को शर्म आती है कि वो एक मोलेस्टर के दोस्त है। क्या लगता है मेरे अपनी गलती मानेगा? नेवर। कोने में पड़ा रहेगा ये वीडियो। पता है अगर लड़की घर पे बैठी रहे ना तो कोई कुछ नहीं बोलता, मगर अगर लड़का बैठे रहे तो नहीं चाहिए। लड़के को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, और वही अगर ना रहे तो मैं कहीं नहीं जाता, आज चुपचाप घर पे बैठा रहता, कोई है ही नहीं मिलने के लिए। एक दिन हिम्मत करके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा डिप्रेशन है। कहा घर वालों से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो। हाँ? कुछ कहा? ये मुझे खुद को पता नहीं मैंने क्यों लाई। मैंने प्लीज अब तो मुझे जाने दो प्लीज। देखो मैंने सबको सच बता दिया है, अब तो मुझे जाने दो प्लीज प्लीज हेल्प मी। A woman is always innocent until proven guilty, and a man is always complete कर। Dead. It's too late. हमेशा लड़का गलत नहीं होता। That was something very serious. It reminded me of the recent #MeToo that was going on across the world, और यहाँ जब चला तो ऐसे केसेस भी, as I have said it earlier, कि ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जो कि फेक हैं। इनफैक्ट एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दिल्ली में 78% रेप केसेस भी फेक हैं, एंड दे ऑल आर डन सिंपली ताकि वो पैसे ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे ले सके। और recently while going through the social media I came across one interview, किसने लिया था वो नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, but it was on it interviewed राखी सावंत, जिसमें she was again talking about me too, और उसमें वो clarifications actually कर रही थी, खुलासा कर रही थी कि बॉलीवुड में उसकी एक बात मुझे उस पूरे वीडियो की एक सिग्नेचर लाइन रही राखी सावंत की। ऑल्दो शी कभी कभी वो पब्लिसिटी स्टंट करती हैं, डांस बहुत अच्छा करती हैं, बट द वन लाइन आई लाइक्ड अबाउट हर इन दैट होल इंटरव्यू वॉज कि बॉलीवुड में तुम शॉर्ट स्कर्ट्स पहन लो लेकिन शॉर्ट कट मत लो। तो मैनी अ टाइम, और इसमें दिखाया कि विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट डूइंग एनी थिंग, the man got trapped just because of some misunderstandings and someone was trying to take that opportunity. मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बस वो जो उस दिन लड़की को बोल रही थी ना, अभी लड़का क्या थोड़ा भी टच करता है लड़की बोलती है छेड़ रहा है। उस दिन उसको लगता है कि उसने बोली, लड़की ने, कि उस दिन मैं गुस्से में थी, तो वो गुस्सा उस पे निकल गया और उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो गई। बट अपने आप को किल करना इज नॉट एन ऑप्शन। मुझे एक और ऐसा केस याद आ रहा है एक्चुअली, आई थिंक इट इज बेस्ड ऑन, इन्होंने बोला ना तो ये वीडियो थी एक लड़के के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगा, ठीक है, तो मैं बोलूँगा इसके ऊपर। ये तो इसका ओपिनियन तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा प्लीज़। तो पहली बात तो एक लड़का काफ़ी इनोसेंट अच्छा लड़का था, कोई गलती नहीं थी। जब उसकी आंटी ने उससे नंबर मांगा तो उसने दिया भी उसको, और उसी ने भी उसको फंसा दिया। वीडियो थी कि भाई लड़कियां घर में बैठ सकती हैं लेकिन लड़के नहीं बैठ सकते। तो ये चीज़ से मैंने भी सफ़र कर चुका हूँ। मेरा भी एक टाइम था जब मैं घर पे बैठता था, और इतना डिप्रेशन में नहीं था, इज़ अ काइंड ऑफ डिप्रेशन में था जब घर पे बैठो या किसी के साथ। मेरे भी इतने फ्रेंड्स नहीं होते, मेरे भी गिने चुने फ्रेंड्स होते हैं मेरे, और ऐसा कुछ कोई केस का नहीं था। वो इतना डीप में नहीं जाऊंगा। इट्स जब मैंने जॉब छोड़ी थी और तब की बात है, तो मैं घर पे काफ़ी टाइम बैठना लड़कों के लिए काफ़ी एक हार्टिंग थिंग है, जिससे नहीं बैठना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है लड़कों के लिए। वेल, इसके लिए जैसे जॉब चले गई तो इसके पास कोई, इसको लगा कि मेरे पास अब कोई ऑप्शंस नहीं है, दैट्स वाई ही किल्ड हिमसेल्फ। ऐसा नहीं था, इसके पास अपॉर्चुनिटी थी, इसको फाइट करना चाहिए था, हार नहीं माननी चाहिए थी। ये वीडियो में तो सिर्फ इतना, अपने आपको मारना नहीं चाहिए। ये वीडियो में इतना दिखाया गया है कि हाँ वो शिकार हो गया है, पर एक ये मैसेज नहीं होना चाहिए कि सुसाइड कर लेना चाहिए। फाइट कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा लड़ते रहना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर वो सही था, वो जानता था खुद की नज़र में, तो उसको परवाह नहीं करना था कि उसके दोस्त क्या सोचते हैं या सोसाइटी क्या सोचती है। नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, हम अपने नज़र में सही हैं, तो वॉट एवर जो कोई कुछ भी बोले, जस्ट गिव देम, समझ जाओ। गिव देम व्हाट? समझ जाओ। गिव देम समझ जाओ। गिव देम समझ। बीप बीप। गिव देम बीप। सो ये एक वीडियो थी जो डिफरेंट, मैंने ये एक्चुअली एक रियल बेस्ड स्टोरी थी, एंड आई नो दैट स्टोरी दैट हैपेंड इन अ बस, एंड देयर इसमें एक लड़की दिखाई, आई थिंक देयर वर 2 गर्ल्स इन दैट बस, एंड ऐसे एक वीडियो वायरल हो गया था, तो लड़कियों ने ऐसे आरोप लगा दिया था। दैट्स अ ट्रू स्टोरी दैट केम इन द मीडिया। और लड़के जो थे वो एक्चुअली बाद में इनोसेंट पाए गए, और ऐसा एक नहीं, ऐसे कई केसेस आए। एक बार एक लड़की ने बोला कि एक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिस ने उसको थप्पड़ मारा, जबकि एक्चुअल स्टोरी ये थी कि लड़की ने पहले थप्पड़ मारा था। और एक बाइकर था, आज भी उसका चलता। वेल, हम इसमें लड़कियों को भी इतना टारगेट नहीं करेंगे कि सभी लड़कियां ये करती है। इट्स अ काइंड ऑफ फ्यू गर्ल्स जो इसका मिसयूज करती है। फीमेल्स जो है ना, एक पहले एक टाइम था जब बहुत एक वल्नरेबल सेक्ट हुआ करती थी, वल्नरेबल कम्युनिटी, पर अब इतना फेमिनिज्म हो गया है कि अब वो उसी फेमिनिज्म को अपनी कई लड़कियां, मैं ऑल नहीं कहूँगी बट सम, उसको हथियार बना के यूज़ करती हैं। और इस मी टू के जो चल पड़ा है ना, #me too, इसमें भी वो कई लोगों को फंसा रही है विदाउट प्रूफ, जस्ट कमिंग इन सेइंग। उस वजह से उनकी पूरी इमेज टैम्पर हो जा रही है कई लोगों की। और एक्चुअली जब तक साबित नहीं होता तब तक हमको गिल्टी नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये आरोप, लड़की अगर कोई आरोप लगा दे तो हम मान लेते हैं हाँ यही बेकार होगा, ये होता है, क्योंकि ये फेमिनिज्म इतना चल पड़ा है। और सब लोग, इनफैक्ट ऐसे तो कुछ कानून भी है कि लड़की खाली बोल दे भाई इसने गाली दी, एक ऐसे सेक्शंस हैं। तो आई थिंक अगर लड़की इतना ज़्यादा कानून जानती ना, तो बॉयज़ रियली नीड टू फियर देम, इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम गर्ल्स देम। I personally advise some people to stay away from girls, क्योंकि ऐसे सेक्शंस हैं, नॉन अवेलेबल सेक्शंस हैं, जिसमें खाली बोल देना आपको keeps you, puts you behind the bar. So I think even law needs certain amendments for the good. So कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट टाइप ऑफ वीडियो था मेरे चैनल पे, मैंने ये डिफरेंट ट्राई किया, तो ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगा। आप लाइक करके भी बता सकते हैं कि आपको ये अच्छा लगा है, एंड रिव्यू ऑल एंड ऑल आपका भी जो कुछ बोलना चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।